नमस्कार प्रेक्षक मित्रों, मैं डॉक्टर बीजल लश्करी सूरत से के साथ एक नई कला के साथ प्रस्तुत होती हूँ। हमारी आज की कला में विशिष्टता ये है कि ये हमारे गुजरात के अहमदाबाद से जुड़ी हुई है। अहमदाबाद सिटी टेक्सटाइल के लिए बहुत ही ज्यादा प्रचलित है और टेक्सटाइल में भी सबसे ज्यादा जो ब्लॉक प्रिंटिंग है और जो हाथ से की हुई कलमकारी है उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। इसके पीछे शायद साबरमती के पानी का भाव है। साबरमती के पानी की वजह से ब्लॉक पेंटिंग बहुत ही सुंदर आती है। मातानी पछली का मतलब ये होता है कि जो एक चित्र जो माता की मूर्ति के पीछे हम रखते हैं तो इसमें माता का स्वरूप अलग अलग स्वरूप दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर और महीन तरीके से ये काम किया जाता है। बट इसकी सबसे बड़ी विशिष्टता ये है कि ये काम उनका जो होता है वो एक पतली सी कलम जो कि बांस से बनी होती है उससे होता है। और इसमें जो रंग इस्तेमाल होते हैं वो बहुत ही कुदरती तरीके के रंग होते हैं ताकि जब उसको धुला जाए तो नदी पानी खराब ना हो। पहले उसको ये कलम को तैयार किया जाता है, फिर कलम ये जो कपड़ा होता है वो कपड़े को पूरा तैयार किया जाता है। हम अच्छे जिसे जानेंगे वो कैसा होता है, मैं थोड़ा सा बहुत ही कम समय में बहुत ही टूक में बता देती हूँ। तो ये जो कपड़ा होता है ये मदर पार्ट जो हम बोलते हैं जो कि ज्यादातर कैनवास और बनाने में इस्तेमाल होता है, तो यही कपड़े को ये लोग कुछ अलग ही तरीके से उसको बनाते हैं। और जो कलम होती है उससे काले रंग से पहले सुंदर तरीके से उसका आउटलाइनिंग करते हैं। ये गुजरात की कलमकारी इसीलिए कहा जाता है कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश में कलमकारी प्रिंट्स होते हैं तो वही चीज यहाँ पर भी इस्तेमाल होके वही टेक्निक इस्तेमाल होके गुजरात की कलमकारी होती है। ये जब मैं अहमदाबाद में थी तब मैंने अपनी आंखों से ये सुंदर कारीगरी देखी हुई है और इन लोगों के जो काम का जो डेडिकेशन होता है वो बिल्कुल देखने के लायक होता है। ये देवी पूजक समाज के लोग होते हैं जिसमें देवी की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जो जो भी घर के अंदर जो भी शुभ प्रसंग होता है उसके लिए ये लोग अपने हिसाब से पचड़ी बनाते भी हैं और इसको माता को अर्पण करते हैं और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। हर एक पचड़ी की अपनी सुंदरता होती है। हर एक पचड़ी में अपनी माता जी का अपना स्वरूप होता है। माता जी के ज्यादातर मिलड़ी माता का स्वरूप, एक बहुचर माता का स्वरूप, एक कोडियर माता का स्वरूप। बहुचर माता जो कि मुर्गी पे सवार होते हैं, वैसे ही कोडियर माता जो कि मगर पे सवार होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग वाहन के साथ माता जी का प्रस्तुतिकरण होता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। पहले जब बनाते थे ये पिछवाई तो उसके अंदर सिर्फ तीन ही कलर लिया जाता था। इसमें एक कलर जो है वो व्हाइट जो कि बैकग्राउंड का कलर है, दूसरा ब्लैक जो कि वो अलग तरीके से पूरा नेचुरल तरीके से गुड़ और लोहे के काट से बनाते हैं, और तीसरा एक जो फिटकरी का और दूसरा कलर में इस्तेमाल करके लाल लाल जैसा रंग बनाते हैं। तो ये तीन इस्तेमाल होता था, परंतु अब समय की मांग के अनुसार और जो लोगों की पसंद है उसके हिसाब से इन लोगों ने बहुत सारे कलर इसके अंदर इस्तेमाल करना शुरू किया जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। अभी जैसे ये विषय माता के ऊपर से लेके अभी जो मॉडर्न आर्ट का चॉइस है लोगों का जो पसंदगी है उसके हिसाब से उसके अंदर अलग अलग विषय पे भी ये लोग कलाकारी करते हैं। ये कला करीबन 300 साल से अहमदाबाद में प्रचलित है और पहले शुरुआत हुई यहाँ पे वासना में। और ये जो अभी अपने साथ जो कलाकार है अजय जी उनका भी वही पहना है। वो उनका जो रहने का जगह है वहां पे भी बहुत सारे कारीगर उनके साथ काम करते हैं। तो हम अजय जी नमस्ते, हम इनसे जानेंगे कि ये कैसे सब काम करते हैं और किस तरह से इनका जो काम होता है वो पूरा पहले से लेके आखिर तक प्रोसेस होता है, क्योंकि एक बार बनने के बाद भी इनको ये नदी में धुल धुल के और इसको फिक्स करने का पूरा प्रोसेस होता है। जैसे ये जो कलाकारी है वो सालों तक चलती है,
इसकी वजह से उसका फिक्सिंग भी होता है जो कि कलर्स फिक्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो वॉश नहीं होते, खराब नहीं होते। तो अजय जी नमस्ते। अजय हाँ नमस्ते जी, जी नमस्ते नमस्ते। अच्छा नमस्ते। आप ये माता की पिचकारी करते हो तो आप कब से कर रहे हो? ए मातानी पचेरी जो होती है ना, हमारे 300 साल पुरानी कला है हमारी। ये जी मातानी पचेरी 300 साल पुरानी कला है। पापा है, पापा वो पहले हाँ जब जी जब छोटे थे ना, दिलीप चितारा जी, पापा 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 का नाम दिलीप चितारा जी है, उनका बेटा अजीत। अच्छा जब पापा 7 साल के ना, 7 साल के थे, 7 साल के तब से मातानी पचेरी बना जी रहे थे। और हमारी मातानी अच्छा पचेरी का कला कला का कारण क्या है कि हम लोग कुदरती, हमारा कुदरती हमारा अंदर आ जाती है कला, वो फिर हाँ बिल्कुल हम लोग सही बात कुदरती है। काम करते। अच्छा अभी ये मातानी आपके जो पचेरी, ये जी मातानी पचेरी कला हमको कुदरती हमारे जनरेशन में आ जाती है। अभी पापा 5 जनरेशन है, अभी मैं 6 जनरेशन हूँ, और अभी आगे मेरा बेटा भी काम करेगा। अच्छा आप कहाँ पे रहते हो? मैं अहमदाबाद में, अहमदाबाद पहले रहता ना एक्चुअली, फिर अहमदाबाद। अभी मैं अहमदाबाद छोड़ के अभी मैं विरमगाम रहने आ गया हूँ। विरमगाम में एक्चुअली क्या है, अहमदाबाद में थोड़ी जगह कम थी, वहां पे कुछ काम भी नहीं हो रहा था हमारा। और अभी अच्छा। हमने यहाँ पे काम काम वाम शुरू किया है, और यहाँ पे सब लेडीज है, हमारे हाथ के नीचे काम करती है सब औरतें, सब लोग काम करते हैं, लोग साथ मिलके यहाँ पे। हाँ अच्छा कितने लोग मिलके काम करते हो ये काम? पहले तो मैं अहमदाबाद में थे तो हम लोग 4 ही लोग काम करते थे, मम्मी पापा और मैं और मेरा भाई। फिर हमने यहाँ पे खुद का समझो कि थोड़ा ऑर्डर आ गया, ऑर्डर भरने लगा, मातानी पछेरी साड़ी का ऑर्डर आने लगा है, दुपट्टे का ऑर्डर आने लगा है, तब से मेरा काम ज्यादा भी बनने लगा है। तभी मैं काम समझो ना कि हमारे हाथ के नीचे 17 17 लेडीज से काम कर रही है अभी यहाँ पे। अच्छा और अभी जो आपने जो बनाते हैं माता की पछे वो कौन से साइज में बनती है, उसका कितना साइज होता है? मातानी पचरी का साइज तो होता है, पहले पहले जो बनता है ना, बाप दादा हमारे बनाते थे पहले, 300 साल पहले पुराने, तब हाँ मातानी पचरी की साइज थी अपने 2.5 मीटर बाई 72 साइज, अच्छा बहुत बड़ी मतलब। बहुत बड़ी अच्छा मातानी पचरी जो पहले जी जी बिल्कुल। अच्छा अभी आपके पीछे जो दिख रहा है थी। वो जो पेंटिंग है उसके अंदर कौन सी माता की कृति बनाई हुई है? ये पेंटिंग है ना, पेंटिंग ये पेंटिंग मास्टर पेंटिंग है, इसको बनने में एक अच्छा साल लगा है, एक ये पेंटिंग बनने में 1 साल लगा, 1 साल पूरा। अभी अच्छा पेंटिंग बहुत की ही स्टोरी क्या सुंदर है, है। पूरी पूरी पेंटिंग की स्टोरी, इसमें पूरा स्टोरी है। अच्छा बताइए ये थोड़ा। ऋषभ हाँ माता बोलते, अच्छा ये ऋषभ माता बनता है, और ये पेंटिंग दिलीप चितारे जी ने बनाया है। बहुत ही सुंदर बहुत मतलब बहुत सुंदर पेंटिंग। ये पेंटिंग बनने में 1 साल पूरा लगा है, 6 महीने कलर भरने में लगा, इसको 1.5 साल बनने में पेंटिंग हुआ है। अच्छा अभी ये जो पेंटिंग है तो बहुत बड़ा है, आप छोटे से छोटा कितनी साइज का पेंटिंग बनाते हो? छोटे में छोटे दीदी समझे कि पेंटिंग शुरू होता है मातानी पचेरी में तो 6 इंचेस बाई 6 इंचेस से लेके ये है इतना अपने छोटा? 64 बाई 2 मीटर। अच्छा 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 अभी आप जो कपड़ा इस्तेमाल करते हो वो बहुत अलग तरीके का कुछ दिख रहा है, उसका उसके पीछे का कलर भी कुछ अलग ही लग रहा है, तो क्या आप कपड़े को कुछ प्रोसेस करते हो क्या? ये जो पहले दीदी कपड़ा था, कपड़ा पहले तो कपड़ा पहले ऐसे व्हाइट रहता है, हाँ ऐसे व्हाइट, ये व्हाइट कपड़ा ऐसे हाँ रहता है, व्हाइट अच्छा कपड़ा ऐसे रहता है, फिर कपड़े को अजय ला भाई के उसको अजय भाई अजय भाई आपका फोन एक तरफ रख के फिर आपका वो कपड़ा वो सब दिखाइए तो अच्छे से फोन मेरा बंद हो दिखेगा। रहा है इसलिए। हाँ हाँ फोन मेरा हाँ बंद नहीं हो रहा अभी है इसलिए। अभी आप अपना कपड़ा वो सब दिखाइए। एक मिनट, आपका चेहरा ये नहीं दिख रहा कपड़े है पहले से इसके व्हाइट लिए। रहता है, व्हाइट कपड़े पहले से व्हाइट रहता है, व्हाइट अच्छा ये मास्टर व्हाइट पार्ट कपड़ा हम बोलते हुए कपड़ा है लोग ना? बाजार में, एक कपड़ा हम लोग बाजार में खरीद के लाते हैं, अच्छा बाजार में अच्छा से खरीद के लाके उसको पूरी रात उसको भिगोते हम लोग पानी में, अच्छा पानी में भिगोने के बाद उसको हरा पाउडर करते हैं हम लोग, हरा पाउडर, हरा हड़े पाउडर पाउडर, है ना, हड़े का हरा पाउडर।
बर्थडे का पाउडर लेंगे, इसमें भिगोते हुए, हाँ इसमें डाई करते हम लोग, हाँ वो हरा पाउडर करने का मतलब क्या है, उसके हरा पाउडर करेगा तभी ब्लैक कलर चिपकेगा उसपे, बराबर राइट राइट राइट, हरा पाउडर नहीं करेगा तो ब्लैक कलर नहीं आएगा, बराबर। अच्छा तो फिर आप इतना पेंसिल से बनाते हो, पेंसिल से चित्र बनाते हो उसके ऊपर, इस पे लेगा समझी दीदी के बाम्बू स्टिक आती, बाम्बू स्टिक पहले से बैम्बू स्टिक से करते हो या पेंसिल से पहले बनाते हो, ड्राइंग करना पड़ता होगा ना, पेंसिल चित्र पहले बनाना पड़ता होगा, पेंसिल लोग को यूज कब करते हैं खबर, पेंसिल के जब वो यूज ही नहीं करते हैं, पेंसिल जब कभी हम लोग माता रहती ना बहुत बड़ी माता है, हम लोग पेंसिल यूज करते हैं, अभी तो छोटे छोटे फिगर होता है, हाँ छोटे छोटे फिगर आप ऐसे ही कर लेते हो, छाता जो काला कलर होता है, इसके अंदर जो काला कलर होता है वो कुछ विशिष्ट विशिष्ट प्रकार के केमिकल से मतलब पदार्थों से बनता है, तो क्या होते हैं जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर जो होता है ब्लैक कलर वो लोहा लोहा का सरा हुआ जंग आता है, जंग, हाँ हाँ जंग, लोहे का जंग, जंग और वो आता है गुड़, मीठा जो गुड़, हाँ मीठा गुड़, हाँ। और दोनों को मिक्स करके उसमें पानी डाल के उसको हम लोग एक महीने तक उसको सड़ने देते हैं, जब तक खराब नहीं होता तब तक, अच्छा। तो खराब होने के बाद जब उसके अंदर बदबू आएगी, बदबू तब कलर रेडी होता है वो, अच्छा। उबाल के हम लोग आउटलाइन शुरू करते हैं, आउटलाइन शुरू करने के बाद अच्छा। देखो ये आउटलाइन, मैं आपको आउटलाइन दिखा रहा हूँ, देखो उसमें आउटलाइन की हमने, देखो आप काला रंग दिखा सकते हो हमें, हाँ काला रंग दिखा पहले, आप अपना काला रंग दिखाओ, और अगर आपने कपड़ा अगर प्लेन रखा है तो वो एक बार दिखाओ, हाँ कपड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, और एक बोला रहे तब तक दूसरी स्टोरी आपको समझाता हूँ मैं, हाँ हाँ बता दो, ये विषद माता का पेंटिंग होता है, विषद माता जी, विषद माता की स्टोरी क्या है, ये सब लोग गांव वाले मिलके रहते थे गांव के अंदर, हाँ फिर गांव के अंदर ये राक्षस आता है, राक्षस, अच्छा, ये राक्षस है क्या, बच्चे लोग को छोटे छोटे बच्चे लोग को खा जाता था वो, अच्छा राक्षस, ये राक्षस ये, अच्छा, फिर ये राक्षस बच्चे लोग को खा जाता था, सब सब गांव वाले मिलके, सब गांव वाले मिलके माता रानी की पूजा करते विषद माता की, और विषद माता को जागरूक करते कि विषद माता आप आओ, फिर यहाँ पे विषद माता यहाँ पे जन्म लेती, विषद माता यहाँ पे आती है, उनके 20-20 हाथ निकलते हैं, 20 हाथ है, 20 हैंड्स, 20 हाथ वाले होता है इसलिए विषद माता, 20 हाथ का मतलब क्या होता है, ये विषद माता पहले मेलेडी माता थी, अच्छा, उसका नाम विषद की पड़ा कि उसके उसने 20 हाथ निकाले थे और राक्षस से लड़ाई करने के लिए, अच्छा अच्छा, तभी राक्षस से लड़ाई करने 20 हाथ निकले, तब से उनका नाम विषद माता पड़ गया है, विषद माता पड़ गया है, ए माता रानी जी जी बोलिए, बोले बोले, आप अपनी बात खत्म करिए उसके बाद में बताते, ये माता रानी बहुत सारे हट्टा निकालती है, तब भी राक्षस मरता नहीं है वो, तब इसको कुछ होता नहीं है, फिर एक छोटी सी चिड़िया थी, चिड़िया, ये चिड़िया आपको दिख रही है, हाँ थोड़ा, हाँ ये जो छोटी सी चिड़िया, चिड़िया, हाँ हाँ हाँ, चिड़िया माता रानी को क्या बोलती है कि माता रानी अब मुझे भेजो राक्षस को मैं मारूंगी, अच्छा। माता रानी बोलती है कि मैंने 20 भी है तो तब भी राक्षस नहीं मर रहा, तो तुम कैसे मारोगे इसको क्या, तो चिड़िया बोलती है मुझे आप एक बार भेज के देखो माता रानी, मैं राक्षस को पक्का मारूंगी क्या, अच्छा। तो माता रानी बोलती है, तो चिड़िया को पता था राक्षस का जीव कहाँ पे, उसका लास्ट एंड कहाँ पे है, तो चिड़िया क्या करती है, वो चिड़िया एक मिनट, वो चिड़िया राक्षस थी, राक्षस उसकी नाक की जो नली थी, नली उसके अंदर घुस के वो चोटी यान पकड़ के राक्षस को मैं माता रानी के हाथ में देती है, अच्छा, तब वो राक्षस मरता है, अच्छा, पूरी विषद माता का ये पेंटिंग,
ये पेंटिंग के तो एक स्टोरी नहीं है, बहुत सारी स्टोरी पेंटिंग में लगा के रखी है। अच्छा, जैसे हमारे देश में बहुत सारे जगह पे स्क्रोल पेंटिंग, स्क्रोल पेंटिंग का जो मतलब होता है वो ये होता है कि पूरे जैसे कपड़े को पर्दे की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम चलचित्र या फिल्म देखते हैं तो जिसमें पर्दे पर हम पिक्चर देख सकते हैं, तो उस जमाने में वो मूवीज वगैरह नहीं था और अपनी बातें लोगों को एक दूसरे के तक पहुंचाने की बहुत जरूरत होती, तो इसकी वजह से ये स्क्रोल पेंटिंग बनाए जाते थे और इसमें माता की महिमा लोगों को सुनाई जाती थी। जैसे ये एक गांव से दूसरे गांव जाके भी माता की महिमा लोगों के पास पहुंचाते थे और जब भी करते थे और अभी भी करते हैं इनके, अभी भी आप करते हो ना माता जी की पचेली, जब भी कुछ त्योहार या कुछ नवरात्रि का त्योहार में सबसे ज्यादा। अच्छा अजीत जी, अभी आप मुझे ये बताइए कि जो अलग अलग स्वरूप माता जी के हैं जो हम आप बनाते हो, अगर कोई पिछड़ी में अलग अलग स्वरूप हो तो मुझे दिखाइए। ये देखो, ये देखो, ये भी मंदिर है सरस्वती माता। अच्छा, सरस्वती माता। अच्छा, और जो मेलड़ी माता है, मेलड़ी माता कौन से सवारी पे उतरी है? ये मेलड़ी माता, ये 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 इनकी सवारी क्या होती है? बकरा, बकरे पे होती है। मेलड़ी माता की सवारी बकरे पे होती है। और कोडियार माता जो की मगर सवार रहती है, तो वो और सारे अलग अलग माता के स्वरूप पूरे रात्रि में हम पूछते हैं, तो वो ये चित्रकार बनाते हैं अपने कपड़े पे। अच्छा, हाँ जी, और अभी आप काला कलर बता रहे थे आप, तो हम पहले वो काला कलर दिखाइए। अच्छा, इसमें आप कोई और चीज डालते हो क्या ये काले कलर में? ये ब्लैक कलर के अंदर एक दूसरी चीज क्या है कि ब्लैक कलर का अपने को मोटा चाहिए, जब ज्यादा गाढ़ा चाहिए अपने को। हाँ, तो इसमें वो इमली के बीज जाते हैं, इमली के बीज का आटा चला सकते हो अपने, उसको डाल के उसको उबाल सकते हो। अच्छा, उसको उबाल सकते हो फिर लाइले के। अच्छा, तो ये थोड़ा मोटा हो जाएगा, मोटा अच्छा हो जाएगा। इससे ये चिपकता भी ज्यादा अच्छे से होगा। जो इमली का जो ये बीज होता है उसके अंदर जो पाउडर बनता है थोड़ा सा गम जैसा भी होता है, हमने लास्ट टाइम देखा वो हम इस्तेमाल उड़ीसा पट्टे चित्र में भी होता है, तो इसी तरह से इसमें भी वही गम। तो हमारे सारे चित्रों की विशिष्टता यही है कि हम कुदरती चीजों से ही सारे रंग बनाते हैं और हमारे रंग जब भी पानी में धुलते हैं तो पानी को प्रदूषित नहीं करते और उसको अंदर बिल्कुल भी उसके खराब नहीं करते, पानी को पीने के लायक ही रहता है। इसी तरह से सारी चीजें कुदरती है, जैसे कपड़ा भी कुदरती इस्तेमाल किया, फिर उसको डाई करने के लिए जो फर्स्ट कलर बनाया तो उसने हरे डाला। माता ने पछरी का अंत क्या है कि सब कुछ नेचुरली वस्तु होनी चाहिए, शुभ चीजें होनी चाहिए, सब कुछ शुभ चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शुभ पेंटिंग माना जाता है। और जब बच्चे का भी कुछ है ना, जब भी बच्चे का जन्म होना होता है तो बच्चे का नाम भी आप कुछ इससे रखते हो ना, आपका कोई रिवाज है जैसा। हाँ, एक्चुअली क्या है, माता ने पछेरी क्यों लगाया जाता है मंदिर में, वो सब आपको दिखा रहा हूँ। जब किसी को बच्चा नहीं होता है, किसी को समझो को 3 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो हम लोग माता ने पछेरी की माता जी की मन्नत रखते हैं, मेलडी माता की, कि मेलडी माता आप मेरे घर में बच्चा दो तो मैं माता ने पछेरी चढ़ाऊंगा। अच्छा, तब उसके घर के अंदर वो मन्नत पूरी होती है, माता ने पछेरी लेके वो चलाते मंदिर में। बराबर। अच्छा, तो इसमें वो जो बच्चा होने के बाद भी कुछ जो रिवाज होते हैं उसमें भी माता की पचेरी चढ़ाते हैं, ये एक बार हो गया। ये माता ने पचेरी तो दीदी ना, ये माता ने पचेरी यार रियल में तो रेड एंड ब्लैक ही कलर से बनता था, रेड एंड ब्लैक। हाँ, वो प्योर माता ने पचेरी। अभी माता ने पचेरी पहले दीदी मंदिरों में यूज होता था, सिर्फ मंदिरों में,
पर अभी की जनरेशन में क्या दीदी कि हमको मंदिर में यूज करने बैठे गए तो हमको कुछ काम धंधा नहीं मिलता था, हमको कुछ खाने का नहीं मिलता था उससे। फिर हमने हमने सोचा कि माता नहीं पछी नहीं, अपने सब छोटे छोटे फिगर निकाल के अपना साड़ी बना लो, दुपट्टा बना लो। मैं आपको दुपट्टा दिखा रहा हूँ, एक दुपट्टा तो साड़ी दुपट्टा वो सब मिलता है उसमें से बनता है। तो हमारा थोड़ा भी धीरे काम मार्केटिंग में चलने लगा ज्यादा अभी तक। बराबर है, मैं आपको एक दुपट्टा दिखा रहा हूँ। हमारे लिए भी अच्छा है क्योंकि आप अपने जो आर्ट है उससे आप नहीं कमाई कर उसको छोड़ दोगे तो इतनी सुंदर आर्ट ये अपने देश में से गायब हो जाएगी। वो बहुत ही जरूरी है कि हमारी ये सब आर्ट चलती रहे पूरे दुनिया में और पूरे देश में, और इसकी जो महिमा है वो अपना रहे और लोगों को उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमने ये कार्यक्रम का शुरुआत की कि हम अपने अलग अलग कार्यक्रम जो कि बहुत ही ओरिजिनल आर्टिस्ट है कि जो सालों से एक ही काम करते हैं, जिनके वंश परंपरागत यही काम करने की रिवाज है, उनको मिलने की बहुत जरूरत है। और ये जो उनका दुपट्टा है, दुपट्टे पे यही फिगर उन्होंने निकाले हुए हैं। अगर आप लेना चाहते हो तो उनसे डायरेक्टली ले सकते हो, ये बहुत ही खूबसूरत है। अभी आप एक मुझे व्हाइट ब्लैक और रेड जो आपने कॉम्बिनेशन का ओरिजिनल पेंटिंग है अगर आपके पास कुछ वो दिखाइए और आप अपना कलमकारी दिखाओ। आप जो पेंटिंग करते हो ना तो वो एक बार दिखाओ और पहले मुझे वो कलम दिखाओ जो आप हाथ से बनाते हो। देखो दीदी कलम होती है बांबू से। अच्छा तो आप इसको जस्ट पेंसिल के मतलब निकालते शार्पर करते हैं वैसे ही उसको शार्प करते हो ना पहले? बांबू स्टिक कैसे बनती है? नॉर्मली कोई भी स्टिक ले लो आप, नॉर्मली कोई भी स्टिक। अच्छा उसको चाकू लेके यहाँ से उसको छीलो, उसको यहाँ से छीलो। अच्छा अच्छा उसको नॉक करके फिर माता की पछड़ी बनाना शुरू करो आप। बराबर, तो अभी आप मुझे थोड़ा करके दिखाओगे ये कपड़े जो आपने पहन के रखा है उसके ऊपर? ओके, क्या है वो? थोड़ा डिजाइन सा है, मुझे थोड़ा जूम आउट करके दिखाइए क्या इसके ऊपर डिजाइन रखे हुए। बहुत ही सुंदर डिजाइन है। ये कमाल का काम कर रहे हैं और इतनी ये बम्बू स्टिक से हमारे पास तो तरह तरह के शाल साइज के पेन होते हैं और फैंसी ब्रशेस होते हैं जिसके साथ हम कलर के साथ एक्रिलिक और अलग अलग कलर से के साथ करते हैं, जबकि ये बिल्कुल धरती से जुड़े हुए रंग हैं जो कि सिर्फ गुड़ से और लोहे के रंग से बनाते हैं। और इसमें और आंध्र प्रदेश की कलमकारी में थोड़ी सिमिलरिटी है, डिजाइन वो भी थोड़े मिलते जुलते आते हैं और फिर भी उसकी अलग ही पहचान है और अलग ही एक सुंदरता है। इसमें दीदी देखो जो आंध्र प्रदेश वाले की कलम का रूप है, आंध्र प्रदेश वाले बोली बोली तो वो लोग क्या रामायण स्टोरी बस सेम प्रोसेस तो सेम कुछ होता है, सब कुछ सेम टू सेम होता है बापा छे दिन आंध्र प्रदेश कलम का। बट उसमें क्या है कि वो रामायण स्टोरी बनाते हैं और हम लोग माता जी बनाते हैं। अच्छा, ज्यादा अच्छा अच्छा इसलिए वो अलग अलग होता है। अच्छा अभी यही पछेड़ी है कि आप एक गांव से दूसरे गांव क्यों जाते हो? ये माता जी का दीदी एक्चुअली क्या आता है कि जब हमारे जब हमारे दीदी हमारे दादा लोग वो पहले अशोक नगर गाँव थे यहाँ पे। अच्छा, काम धंधा पुतली चल रहा था ना तो बोलो यहाँ से पछेरी ले लेके घूमते थे दीदी। अच्छा फिर वो जाते 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 अहमदाबाद पहुंच गए वो सब लोग। अच्छा देखो रियल मातानी पछेरी का काम ये गांव है, मातानी पछेरी का रियल काम यही है। अच्छा, अभी एक बार आपने पूरा काला रंग का डिजाइन कर लिया उसके बाद आप कौन सा रंग लगाते हो, वो रंग कैसे बनता है? इसमें हम लोग रेड लगा रहे हैं, रेड कलर देखो ये रेड कलर है, रेड कलर जो हाँ
वो कैसे बनता है? रेड कलर होता है, रेड कलर वो कलर है अपने, समझो ना कि मैं आपको रेड कलर दिखा रहा हूँ। रेड कलर जो वाले है वो इमली के बीज, हाँ तरी, अच्छा उससे कलर होता है इमली के बीज, फिटकर और इमली के बीज दो ही चीज, दो ही चीज से। अच्छा और उसको फिर भिगो के आप कितना टाइम रखते हो? बीज को फिटकर भरने के बाद उसमें क्या रेड कलर का पूरा प्रोसेस होता है। अच्छा रेड कलर हो जाता है ये प्रोसेस तो, क्या है कि इसको कलर भरने के बाद इसको चालू पानी में धोना पड़ता है। तो वो पानी फिर कहाँ से ले, नदी का पानी से होता चालू है? पानी बाद धोने के बाद चालू पानी आता है नदी, जो नदी हाँ साबरमती नदी है उस नदी से उसमें उसमें लोग धोते जाते हैं। अच्छा, तो जैसे जब बारिश के सीजन होते हैं तब ये पेंटिंग बन सकता है क्या? तभी तभी हम लोग क्या करते हैं कि 4 महीने पेंटिंग बना बना के इकट्ठा कर लेते हैं, फिर एक ही दिन जाके हम लोग धो देते हैं पेंटिंग सब सारे जाते हैं। अच्छा एक साथ सब पेंटिंग वॉश कर लेते हो, इसको सिर्फ पानी से धुलता है और कुछ भी नहीं, फिर फिक्सिंग के लिए कुछ चीज में डालते पानी क्या दे, पानी एक्चुअली क्या, पानी चालू पानी होना चाहिए, चालू पानी। अच्छा तो एक बंद पानी में धो उसको करो, बंद किस पानी में में? क्या होता है, बंद पानी में क्या होता है जिस कलर पूरा स्प्रे हो जाता है, माता कलर जो ब्लेगा ना स्प्रे हो जाता है पूरा बंद पानी में धोगे तो। बराबर 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 ठीक है। और फिर उसको किसी चीज में भिगोते हो क्या वापस, मतलब उसको कलर उसको धोने के पक्का बाद, हो जाता है? उसको धोने के बाद क्या करते हैं, हाँ उसका लास्ट प्रोसेस जो होता है धावरी के फूल, इमली के फूल आते हैं इमली के फूल फ्लावर, हाँ हाँ इमली के फूल और एलिजरिंग, एलिजरी यस उसमें हम लोग डाई करते हैं। हाँ ठीक है, वो डाइंग का जहाँ पे प्रोसेस होता है वहां पे एलिजरीन मिल जाता है, उसी से आप फिक्स करते हो ना कलर को? जहाँ पे वो अपने रेड कलर जहाँ पे अपने भरा है ना वहां पे पूरा वो हाँ डाई वाला कलर वहां पे जाएगा, वहां पे अखा पूरा रेड हो जाएगा। अच्छा बराबर, इसके बाद फिर वो कलर नहीं निकलता भरने कैसे भरने से फिर? पहले वो पेंटिंग वो रेड कलर आपको कैसा लगेगा, एकदम येलो लगेगा। भरने से हाँ पहले आपको ये जो रेड कलर रेड कलर पूरा येलो लगेगा, जब उसको ड्राई करेगा तब वो अच्छा, पूरा रेड हो जाएगा। तब जैसे ये स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक प्रोसेस करना बहुत ही जरूरी है इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि एक पहला स्टेप आगे करो फिर दूसरा स्टेप आगे पीछे हो जाए तो चलता है, ऐसा नहीं, ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से पूरा प्लान किया हुआ पेंटिंग है। उसके अलावा इसकी जो विशिष्टता है वो ये है कि ये 3 कलर में बनते हुए भी इतना खूबसूरत दिखता है, और इतने सारे पेंटिंग का बारे में हम जानते हैं, हर्डे का उपयोग इसी पेंटिंग में होता है उसको फिक्स करने के लिए, और दूसरा वो जो फर्स्ट कलर डाई बेस कलर जो बनाते हैं उसके लिए, तो ये कलर ये पेंटिंग बहुत ही विशिष्ट प्रकार का है, और जो इनके अंदर छोटी छोटी कारीगरी की होती है, ये डिजाइन आप कहाँ से लेते हो, मतलब पहले से ये डिजाइन आपके दिमाग में होती है या फिर आप कहीं पे चेक देख के या कुछ करके लेते हो? एक्चुअली क्या होता है डिजाइन तो हमको पहले से हमारे दिमाग में आ जाती है, जब पापा लोग काम करते थे ना वो हाँ मैं जब छोटा था ना तो पापा को देखते कि सीख गया मैं भी, फिर ठीक है, डिजाइन पहले से ही आपको अपने को पता लगता है होती लेकिन है यहाँ पे पर देखो हाँ हमको लगता है कि बीच में माता रानी आए ना तो आजू बाजू विलेज आना चाहिए, हमको ऐसे दिमाग में होता है हमको। हाँ बराबर बराबर, और जो माता जी है वो बीच बिल्कुल बीच में ही होनी चाहिए या फिर आगे पीछे या माता ऐसे जी हो तो चलता है? अभी तो दीदी क्या है कि माता जी जो मेन पचेरी बनती है मातानी पचेरी वो बीच में माता जी आती है मेन मातानी पचेरी में, पर अभी सब लोग को ट्री ऑफ लाइफ चाहिए होता है, किसी को झाड़ वाला पहनना चाहिए तो माता जी यहाँ पे भी आ सकती है साइड में, यहाँ नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी जा सकती है माता जी। अपने घर में मंदिर में लगाना ये बहुत ही शुभ है अपने घर के लिए, और हम जैसे मंदिर के पीछे जो सीढ़ी द्वारा में पिछवाई होती है उसी तरह से ये माता के मंदिर में माता जी की मूर्ति के बराबर पीछे होती है, तो इसका सही भी है सही इतना है। ही महत्व है। और ये
पिचुआई जो होती है इसमें माता जी के अलग अलग स्वरूप दिखाई देते हैं। खास करके नवरात्रि में इसकी बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि नवरात्रि के समय पे ये पिचड़ी बनाते हैं और उसको लगाते हैं, उसके बाद वो माता जी को अर्पण हो जाती है। ठीक बोल रही हूँ ना? सही है, सही, ओके है, ओके सब कुछ बराबर। तो ये जो पूरा आर्ट है ये कितने फैमिली बनाते हैं, कितने जने बनाते हैं? ये माता नी पचरी का आप तो दी समझो ना कि 10 फैमिली बनाती है, सिर्फ 10? 10 फैमिली बनाती है। तो टोटल कितने होते हैं, मतलब कितने लोग बनाते हैं? 70 सिर्फ 70 लोग बनाते हैं? और फिर अभी जैसे काफी सारे क्लासेस और सब में ऐसे सिखाई जाती है, तो क्या वो सही बन रही है या फिर वो भी आपसे सीखे बन रही है या डायरेक्टली ऐसी अपने हिसाब से बना रहे हैं? जो दीदी क्या होता है, माता नी पचरी वाले आते होते हैं ना, वो समझो ना कि जो हमारी फैमिली से जाके सिखाते हैं तो हम लोग उनको पहचान लेते हैं, अगर लोग दूसरे को सिखाएगा तो हम उनको तुरंत पहचान लेंगे हम लोग। तो ये कहना भी बहुत ही जरूरी है कि माता की पिछड़ी के नाम पे सही सिखा रहे हैं या फिर गलत, क्योंकि ये जो है हमारी विरासत है, हमें इसके बारे में जानने का हक भी है, अधिकार भी है, और हमारी फर्ज भी बनता है कि ये हम जाने और उसको पढ़े कि ये ओरिजिनल आर्ट है या फिर किसी और तरीके का आर्ट है। आर्ट तो आर्ट होता है, परंतु जो पारंपरिक कलाकारीगरी है उसका जो उसकी शुद्धता जो है वो बरकरार रहना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे जो माता जी की पछड़ी है उसके जो रंग है, तो पहले पुराने जमाने में सिर्फ 3 ही कलर इस्तेमाल होते थे, जैसे बैकग्राउंड का वाइट कलर, फिर ब्लैक कलर का पूरा उसका डिजाइन और ड्रॉइंग, और उसके बाद ये लोग पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और पेंसिल का इस्तेमाल किए बगैर डायरेक्टली बाम्बू स्टिक से बनी हुई कलम से ये लोग पूरा ड्रॉइंग बनाते हैं, जिसमें जो डिजाइन होती है वो भी साथ में ही वो चित्र करते रहते हैं, और लास्ट में जहां जहां जरूरी होता है वहां पे वो लाल रंग भरते हैं, जो लाल रंग भी फिट करी और इमली के सीड्स से बनता है। तो ये कारीगरी इतनी सुंदर और इतनी महीन होती है कि हम मान नहीं सकते कि ऐसी सिंपल से घर में घरगत्तू चीजों से इतना सुंदर पेंटिंग भी बन सकता है। और ये पूरे कुटुंब के लोग जो होते हैं, आपके कुटुंब में कितने लोग हैं जो ये काम करते हैं? जी हाँ दीदी बोलो। हाँ, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं जो ये काम करते हैं? एक मिनट दीदी, आपका फोन चिपक रहा है, मैं एक मिनट। तो अभी हमने काफी सारी चीजें इसके बारे में जान ली, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ क्या क्या आपने इसके बारे में जानकारी ली। कि तो ये जो कारीगरी है वो 300 साल पुरानी है, व्हाइट कलर के सादे मानपाट कपड़े को लेके उसको हरडे में भिगो के, पहले सादा पानी में भिगो के वो सुखाते हैं, उसके बाद हरडे में भिगा के उसको बेस कलर देते हैं, जिससे कि वो कलर थोड़ा सा येलोइश ब्राउन दिखे, जो कि हम यूजुअली हम पेंटिंग जो अभी मॉडर्न टेक्निक से बनाते हैं वो बहुत ही पुरानी स्टाइल है, कि बेस कलर बनाना बहुत जरूरी है ताकि जो अंदर कलर हम बनाते हैं वो उसका आए। तो ये बेस कलर बनता है, उसके बाद ये लोग जो गुड़ और जंग के ब्लैक कलर जो बनाते हैं उससे उसमें महीन वर्क होता है, पूरा पेंटिंग को छोटी 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 डिजाइन में लोग बनाते हैं। ज्यादातर इसमें सेंटर पॉइंट होता है माता जी, तो माता जी का भी अलग अलग स्वरूप ये लोग प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मेलडी माता, जो कि इन लोगों की मान्यता के अनुसार जब भी किसी को बालक नहीं होता तो वो मेलडी माता की मान्यता मानते हैं, तो इससे ऐसा होता है कि जब भी उसको उस घर में अगर बच्चे की किकारी गूंजे तो माता जी को ये पचरी चढ़ाते हैं। ये चीज है, दूसरा भी और सब नवरात्रि की पचरी बनती है ये माता जी को अर्पित होती है, और उसके अलावा जो भी ये कारीगरी है अभी मॉडर्नाइज हो रही है, क्योंकि मॉडर्नाइज होने की वजह ये है कि जैसे अगर ये जो
वंश परंपरागत जो होती है वैसी ही रहती है तो वो बाहर नहीं जाती, वहां भी होके मृत्यु प्राय हो जाती है, क्योंकि अभी भी सिर्फ 70 लोग ये काम कर रहे हैं। परंतु इसके बाद अगर ज्यादा आगे फैलाना है तो जरूरी है कि ये आर्ट मॉडर्न टेक्निक और मॉडर्न कंसेप्ट पे भी बने। मॉडर्न कंसेप्ट में ये रहता है कि जैसे दुपट्टे पे बनता है, साड़ीज पे बनता है, चादर पे बनता है, फिर ये घर के अंदर डेकोरेटिव पीसेस, वॉल पीसेस, छोटे छोटे चेंज बाय चेंज के छोटे से पेंटिंग भी बनते हैं, जबकि पहले के जमाने में बहुत ही बड़े और काफी बिग साइज पेंटिंग बनते थे, जबकि अब लोग इसको थोड़ा मार्केट में लाने के लिए छोटे छोटे पेंटिंग भी बनाते हैं। पहले पुराने टाइम में जो ये तीन कलर में बनते थे, अभी बहुत सारे मॉडर्न और कैची कलर्स लेके उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया जाता है। तो ये सब चीजें बदलाव जरूरी है और ये चेंज बहुत जरूरी है इस कलाकृति को बरकरार रखने के लिए। तो अजीत जी, अभी आप अपनी ओर से कुछ कहना चाहेंगे? जो मैंने बताया आपकी बात का भी भाग छोटे बताया, अभी आप बताना चाहो तो अपने पास थोड़ा समय है तो आप बता सकते हो। इसमें क्या दीदी कि हम लोग तो पहले एक्चुअली अहमदाबाद ही रहते थे, हमको काम का जो सपोर्ट मिला दीदी, तो हमको ऐसे कुछ आपके जैसे कोई हमको मिला अहमदाबाद में, नीलेश सर करके नाम है उनका, नीलेश सर कारीगर क्लिनिक वाले, तो उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, उन्होंने हमको हमारा खुद का ब्रांड बनाया अभी और हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अभी वो भी। अच्छा जी, मैं ना 5 साल तक अहमदाबाद में रही हूँ, मैंने वहां से पढ़ाई की है और अहमदाबाद की डेंटल कॉलेज में ही मैंने पढ़ाई की है, पर मेरा पहले से ही कलाकारी की तरफ झुकाव था। तो मैंने जब मैं अहमदाबाद में घूमती थी तो एक तो जगह पे मैं ये बनता हुआ देखती थी, तो क्या ये आर्ट कभी ऐसे रोड पे भी बनती है क्या, मतलब बाहर भी एक्चुअली क्या दीदी के माता ने पची जी का सुधार लाने का मतलब भी हमारा ही है ना, हम लोग अभी भी आगे चाह रहे हैं कि हमको आगे और भी अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और आगे हम लोग बढ़े ज्यादा, जरूरी है क्योंकि ये इतनी सुंदर कलाकारीगरी को मृत प्राय होने का मतलब बहुत ही अपने देश के लिए घाटा, अपनी कला संस्कृति के लिए बहुत बड़ा दुख का समाचार है। आप करते ही रहो, अपने बच्चों को भी ये सिखाओ और अपने बच्चों को भी नई टेक्निक भी थोड़ा सिखाओ, कि थोड़ा नए विषय पे हो परंतु जो उसका सुंदरता और उसका जो 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 बोलते हैं उसका जो एसेंस, मतलब सबसे ब्यूटीफुल जो चीज है उसको बरकरार रखने की कोशिश करो, कि जो भी इसका ओरिजिनलिटी है, जो इसका रियल जो ओरिजिनलिटी है वो बहुत ही सुंदर है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसको जैसा है वैसा ही रखो, थोड़ा सा बदलाव। इसमें क्या है कि माता नहीं पछी थी, अभी तक किसी को पता नहीं कि क्या है क्या नहीं, हम लोग आशा इसी करते हैं। अभी मैं आपसे बैठा हूँ, मैं आशा क्या कर रहा हूँ कि मेरी कला आगे बढ़े और हमको कुछ काम मिले बस। सही बात है। और अभी दीदी क्या हमारे हमारे पे दादा लोग थे बेचारे, उनको ऐसे कुछ पता नहीं था कैसे हमारी कला ऐसे आगे बढ़ेगी, आज हमारे दादा लोग होते तो वो खुश होते हमारे पे कि वाह बेटा तुमने अच्छा काम किया अभी तुमने। बराबर है। आपने देखा होगा एक तो एलआईडी कहते हैं, एलआईडी स्कूल जो अहमदाबाद में एलआईडी स्कूल है उसके बारे में दादा बेचते थे। और अगर हमें लेना हो अहमदाबाद में से तो आप थोड़ा बता सकते हो कि कहाँ से ले सकते हैं और कैसे ले सकते? अभी एक्चुअली क्या है कि मेरी जो फैमिली दिलीप चितारा की फैमिली अभी मिर्जापुर में है, मिर्जापुर। अच्छा, वो कहाँ पे? वो मिर्जापुर में आती है, आपको वो आता है जो हाई कोर्ट घी काटा। अच्छा, अहमदाबाद के अंदर ही? अहमदाबाद के अंदर ही है। और अभी हम लोग दीदी क्या है कि काम की तलाश के अंदर अभी थोड़ा काम ज्यादा मिले वो मिला, इसलिए हम काम आ गए। और आर्टिस्ट लोग को, आर्टिस्ट गरीब आर्टिस्ट को भी काम मिलना चाहिए बस हमको।
अच्छा, आप जो प्रदर्शन होते हैं अपने कला के, वो सब किसी में भाग लेते हो क्या? दीदी अभी तो आजकल हमको तो एग्जीबिशन मिलते हैं, जैसे क्राफ्ट फ्रूट का एग्जीबिशन है, फिर हस्तकला का एग्जीबिशन आता है, वो लोग लेते हैं भाग उसमें। दिखाते हो सबको? और अभी तो दीदी कोरोना के हिसाब से हमको कुछ काम भी नहीं मिल रहा अभी तो। अभी आप मानोगे नहीं, कोरोना के हिसाब से मेरे घर के अंदर लोग एक साल से लॉस थे, कुछ काम धंधा ही नहीं मिला, जैसे इसे हम लोग बैठे रहते यहाँ पे। अच्छा अजीत जी, अभी आप कुछ और कहना चाहते हो तो आप बोलो, नहीं तो फिर हम ये कार्यक्रम को समाप्त करने की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हमने काफी सारी बातें करी और आपके पास से बहुत सारी जानकारी, इतनी सुंदर कला कारीगिरी के बारे में मिली, और हमारी जो कला कारीगिरी है उसके लिए कुछ और नई दृष्टि मिली। तो और ये आपके साथ जो है वो आपकी पत्नी है? हाँ, ये मेरी वाइफ है। नमस्ते दीदी। अच्छा, आपका नाम है, आपका नाम क्या है? सीमा। क्या नाम? सीमा जी। सीमा जी, आप भी मदद करवाते हो क्या इनको काम में? बराबर, कलर बनाना सब आपका काम होगा। ठीक है, हम आपकी रजा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर बातचीत हुई और आपके आपके साथ बहुत सारी बातें जानने को मिली, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो हमारा काम दीदी, यहाँ पे ये हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। देखो हम गांव में रहते हैं छोटे से। अच्छा, एक बात मैं पूछना रह गया कि इसको आप कैसे करते हो, मतलब जैसे सिर्फ बिछा के करते हो या कुछ की भी लगा के उसको सेट करो? इसमें क्या होता है दीदी, इसमें क्या होता है कि हम लोग नीचे नीचे बिछा के काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, क्योंकि माता रानी बहुत बड़े बड़े लेके नहीं बैठ सकते उनको, बहुत बड़े बड़े माता रानी मनाने होते उनको। अच्छा ठीक है, नमस्ते अजीत जी, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, तो जैसे मुख्य हमारा जो ग्रुप है वो हम कलाकारों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, और हमारे अलग अलग डिविजन हैं, जैसे हमारी आर्ट गैलरी है जिसमें कि आर्टिस्ट को एग्जीबिशन बहुत ही न्यूनतम मूल्य में करने का मौका मिलता है, और इसके अलावा हमारी फेसबुक पे आर्ट चैलेंज चलती है जिसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको करना है तो इसका कोई शुल्क नहीं है, आपको सिर्फ आपका नाम लिखवाना है, और मुकुटे के साथ जुड़ने के लिए भी आप गुजरात में होना जरूरी नहीं है, आप गुजरात से बाहर से भी जुड़ सकते हो, और हमारे पास तो भारत के बाहर से भी बहुत सारे अच्छे कलाकार हैं। तो ये कोशिश है हमारी कला को बरकरार रखने की और कला को प्रोत्साहित करने की, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए और ये कार्यक्रम को इतना टाइम देने के लिए। नमस्ते।